घरों में एलईडी टीवी का रुझान तो बड़ा है, लेकिन इसकी दुरुस्तगी और सर्विस को लेकर ग्राहकों में परेशानी भी बड़ी है। लेकिन एलईडी टीवी के ग्राहकों के लिए खुशखबरी है, टीवी में आई कोई भी खराबी को नांदेड़ में ही दुरुस्त किया जा सकेगा। जी हाँ, स्टार पैनल बॉन्डिंग सर्विसेज में अब ये खिदमत मयसर हो गई है। नांदेड़ में पहली बार जदीद मशीनरीज के जरिए की जाएगी एलईडी टीवी की दुरुस्तगी। स्टार पैनल बॉन्डिंग सर्विसेज के प्रोप्राइटर जिशान खान ग्राहकों की नांदेड़ में ही करेंगे खिदमत। वर्टिकल लाइंस, हाफ स्क्रीन, स्क्रीन प्रॉब्लम, बैक लाइट, वाइट डिस्प्ले, नो साउंड, डेड, डिम डिस्प्ले, डैमेज डिस्प्ले, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम और हॉरिजॉन्टल लाइंस जैसे प्रॉब्लम्स एलईडी टीवी के किसी भी प्रॉब्लम के लिए रुजू करें स्टार पैनल बॉन्डिंग सर्विसेज, वागी रोड, ईदगाह कमान के सामने, नांदेड़। नांदेड़ के हनुमानगढ़ इलाके में नामालूम अफराद ने तकरीबन 20 से 22 कारों को तोड़ डाला। ये वाकया जुमे की रात को पेश आया। टू व्हीलर पर आए नामालूम अफराद ने घर के सामने खड़ी कार पर पथराव किए, जिससे कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। ये वाकया सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। ताहम इस वाकये से हनुमानगढ़ इलाके में खौफ का माहौल है। पुलिस इन नामालूम लोगों की तलाश कर रही है। आज जवरपास रात्रि दीडच्या दरम्यान हनुमानगढ़, श्रीरामनगर, रामनगर या भागामध्ये जवरपास 20 गाड्या, त्याच्यामध्ये 2 ऑटो आहेत। अज्ञात लोकांनी गाड्या, नागरिकांच्या गाड्या फोडून दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न झालेला आहे आणि या भागामध्ये पहिली वेळेस घटना घडलेली आहे। आणि मला असं वाटतं की प्रशासनाचा गुन्हेगारावर ओचक नाही आणि अशा प्रकारे जर सर्वसामान्य नागरिकांच्या गाड्या जर फुटत असेल तर सर्वसामान्य नागरिकांनी दाद कोणाकडे मागायचं। तर पालकमंत्र्याचा पत्ता बेपत्ता येत गेला अनेक वर्षापासून। जिल्ह्यामध्ये लोकप्रतिनिधीचा अभाव असल्यामुळं पोलीस प्रशासनावर आणि काही गुन्हेगारावर ओचक राहिलेले। 2 बघितलो मी, 2 बघितलं तर मला वरून दिसलं काच फुटलेला, तर मी खाली येऊन चेक केलो तर बघितल्यावर सुद्धा बी या गाडीला बघितलो समोरच्या त्या गाडीचा बी काच फोडलेला, ते पलीकडे त्या गाडीचा बी काच फोडलेला। रात्री मी 2:10 चेक केलो तर 15-16 माझ्या घरासमोर मी गाडी लावली होती। रात्री 1:30 सुमारास माझी गाडी अज्ञात व्यक्तीने फोडली, माझ्या गाडीचा समोरचा काच फुटलेला। 20-22 गाड्या आहेत अंदाजे। हे पहिल्यांदाच झालं, यापूर्वीचं काय माहिती नाही।